Like the video, subscribe the channel and on the notification icon. हेलो गाइज, मैं संदीप कुमार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अमावस मूवी बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है आज और काफ़ी जोर शराबे के साथ चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये मूवी जो है कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, यानी साफ साफ शब्दों में कहूँगा तो ये सचिन जोशी जो इसके अंदर मुख्य किरदार के रूप में है, वो एक ऐसे जो टूरिस्ट है जो भूतों से सामना करना पड़ता है उनको। यानी ये मूवी एक मिस्ट्री है, थ्रिलर है कि वो बंगले के अंदर ठहरते हैं और वहाँ पे जो है उनकी फाइट भूतों से होती है, यानी गोस्ट से होती है। और काफ़ी ज़बरदस्त ऐसी जो हॉरर इवेंट इसके अंदर शो की गई है, यानी जो मूवी आप पहले देख चुके हैं जैसे कि राजमहल जैसी कुछ मूवी आप देख चुके हैं, वहाँ पे कि एक बंगला होता है और वहाँ पे जो भूतों का साया होता है, उसी तरह इस अमावस मूवी के अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही है कि एक अपने घर से दूर निकले हुए कुछ कपल्स जहाँ पे ठहरते हैं वहाँ पे उनके साथ मिस्ट्री होती है, थ्रिलर होते हैं और काफ़ी गोश्त से सामना करना पड़ता है। यहीं पे आगे फाइट चलती है, एक्शन चलता है, कॉमेडी चलती है, सब कुछ मिक्स किया गया है इस मूवी के अंदर। आप लोग अगर कमज़ोर दिल नहीं है तो इस मूवी को देख सकते हैं। और इस मूवी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमारी इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथ में आपको बता दूं कि दोस्तों, ये मूवी काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाली है, जितनी एडवांस टिकटों की बुकिंग देखी जाए और इस मूवी के बारे में चर्चाएँ देखी जाएँ तो इसका अच्छा खासा कलेक्शन कर सकती है और बॉक्स ऑफिस पर अपनी जगह बना सकती है। आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं संदीप कुमार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रिएक्शन रिव्यू के साथ में। जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।